बढ़ता पॉल्यूशन और बढ़ता तापमान, इस बीच में दिल्ली में बिजली का ना होना बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रही है। इस वक्त हम साउथ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एक ऑफिस के पास हैं। यहाँ पर पिछले 2 महीने से लगातार 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट जा रही है, और लाइट का जाना बिजनेस में कितना नुकसान होता है ये हम सभी जानते हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ है यहाँ पर के एक बिजनेसमैन। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्रक्रिया है इस पर। सर, कितने महीने से लाइट जा रही है? आई थिंक जो है महीने 1.5 महीने से ये प्रॉब्लम है। और इससे आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ रहा है? टोटली बिजनेस लॉस है, विदाउट एनी कंप्यूटर कुछ कर ही नहीं सकते। टोटली बिजनेस लॉस, टोटली लॉस है। तो जैसा कि आप, स्टाफ वगैरह है सारा वो बैठा हुआ है, उनकी सैलरीज वगैरह हर मंथ देनी होती है, सारी चीज़ें हैं। जब वर्क ही नहीं होगा तो फिर सैलरी कैसे देंगे? जी जी, बिल्कुल सही बात है कि जब वर्क ही नहीं होगा तो ये सैलरी कहाँ से देंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक फॉरेनर खड़े हुए हैं यहाँ पर, जो कि दिल्ली में रोज़गार के काम से आए हैं, और इनकी हालत आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये गर्मी से किस तरह परेशान हो रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज तचू, सो आई एम जस्ट वर्किंग हियर दिस बिल्डिंग, बट वी डोंट नो व्हाई लाइट इज गोइंग इज कमिंग, बट इट्स टू मच हॉट, दैट इज बिग प्रॉब्लम, सो वी नीड they have to do good work, they have to send to people electricity. If there is not electricity, there is not job, there is not work. So we have to do so many things in that electricity, so that we can do the best for all people. जी, जैसा कि बिल्कुल इनका भी यही कहना है कि बिना बिजली के जॉब नहीं हो सकती है। इसी तरह के मुद्दों के लिए हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए द पॉलिसी टाइम्स।